गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन का चैप्टर 13 आज से स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है कॉन्गुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्गुएंस जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है, कॉन्गुएंस का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो कॉन्गुएंस देखिए क्या होता है, कोई भी ऐसे दो फिगर्स जो सेम शेप के एंड सेम साइज के होते हैं, ठीक है, तो वो आपस में कॉन्गुएंस कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्गुएंस देखिए, अगर कोई भी दो फिगर्स हैं, जैसे कि सपोज है ये एक सर्किल हो गया और ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, देखने में तो ये सेम लग रहे हैं हमको कि दोनों ही सेम है। ठीक है, देखिए इनका शेप तो सेम हमको समझ में आ रहा है कि इनका शेप जो है वो सेम है, बट साइज इनका जो है वो डिफरेंट है। साइज कैसा है, डिफरेंट है, तो दोनों ही चीजें इसमें हमको देखनी पड़ती है, शेप एंड साइज। क्या देखना पड़ता है, शेप एंड साइज, यानी कि दोनों फिगर्स के शेप भी सेम होने चाहिए एंड दोनों के साइज भी सेम होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही फिगर्स आपस में कैसे हैं, कॉन्गुएंस हैं, या फिर कॉन्गुएंस का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों ही फिगर्स एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी या कार्बन कॉपी होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी कॉन्गुएंस। ठीक है, आप सपोज देख लीजिए कि जैसे कि अगर दो लाइन्स हमने खींची, अब उनको हम कॉन्गुएंस का बोल सकते हैं जब उन दोनों लाइन की लेंथ जो है वो सेम होंगी, तब उनको बोल सकते हैं कि आपस में कॉन्गुएंस हैं। ठीक है ना, कोई भी ऐसा मान लीजिए आपने रेक्टेंगल ले लिया, अब कोई भी रेक्टेंगल कॉन्गुएंस का हो सकता है जब उसकी लेंथ और ब्रीथ दोनों ही रेक्टेंगल्स की लेंथ एंड ब्रीथ इक्वल होंगी, तभी हम उनको कॉन्गुएंस बोल सकते हैं। कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर को कॉन्गुएंस कैसे कह सकते हैं, जब दोनों ही स्क्वायर्स की जो साइड है इक्वल होंगी, तो दोनों ही स्क्वायर्स आपके कैसे बोले जा सकते हैं, कॉन्गुएंस। ऐसे सर्कल में होता है, दो सर्कल आप कॉन्गुएंस कब बोल सकते हैं, जब उनकी रेडियस सेम होती है, जब उनकी रेडियस सेम होंगी तब आप बोल सकते हैं कि दोनों ही सर्कल्स आपके कैसे हैं, कॉन्गुएंस हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि अगर रेडियस से डिफरेंट हो जाएंगी तो उनका शेप तो सेम रहेगा पर साइज जो है साइज सेम नहीं होगा। और कॉन्गुएंस के मैंने आपको बोला था अभी दोनों ही चीज़ें सेम होनी चाहिए, शेप एंड साइज, तभी वो दोनों फिगर्स आपस में कैसे होंगे, कॉन्गुएंस होंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चूंकि यहाँ पे आपको किसी की बात नहीं करनी है कॉन्गुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, हमें बात करनी है इसके अंदर ट्राइंगल्स की। ठीक है, तो सपोज दैट दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्गुएंस का होगी, ये जो ट्राइंगल्स हमने दो ले लिए हैं, ठीक है, अब ये आपस में कॉन्गुएंस कब होंगे, ठीक है, ये आपस में कॉन्गुएंस कब होंगे, जब जैसे कि आपने ये दो ट्राइंगल्स रखे हैं, जब उसकी ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड इस साइड के ऊपर हो, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके ऊपर हो, ये करस्पॉन्डिंग साइड इसके ऊपर हो, ठीक है, तो ये ठीक है, उसमें देखिए ट्राइंगल्स जो हैं उसमें सिक्स एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, साइड्स मान लीजिए एंड एंगल्स मान लीजिए, ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है, मेन सिक्स एलिमेंट्स हैं, तो सिक्स ऑल सिक्स एलिमेंट्स उसमें इक्वल होने चाहिए ट्राइंगल्स में, तब तो वो आपके कॉन्गुएंस होंगे। जैसे कि ये करस्पॉन्डिंग साइड इस करस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर, ये इसके और ये एंगल इसके ऊपर हो, ये एंगल इसके ऊपर हो और ये एंगल इसके ऊपर हो, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कैसे हैं, कॉन्गुएंस हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ भी अगर इसमें डिफरेंट हो जाती है तो फिर ये कहना गलत होगा कि ये कॉन्गुएंस हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, चलिए कॉन्गुएंस की आपको देख लेते हैं, थोड़ी वो बता लेते हैं प्रॉपर्टीज। सपोज दैट कोई भी दो ट्राइंगल्स हैं आपके, उनमें हमारी दो साइड्स क्या, टू साइड्स वन एंगल अगर इक्वल है तो वहां पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी काम करेगी, साइड एंगल साइड कॉन्गुएंस प्रॉपर्टी वर्क करती है। साइड एंगल साइड यानी कि टू साइड्स एंड वन एंगल, यानी कि दो साइड किसी भी ट्राइंगल्स की दो करस्पॉन्डिंग साइड और वन करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल्स हम ट्राइंगल बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्गुएंस हैं। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर सपोज दैट तीनों साइड्स हमारी इक्वल है, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, देन द प्रॉपर्टी वर्क्स हियर,
साइड साइड साइड, यानी अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं तो तीनों किसी भी एक ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हैं, तब भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कैसे हैं, कॉन्गुएंस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं अभी। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होती है ASA, यानी कि टू एंगल्स अगर इक्वल हैं एंड वन साइड इक्वल है। ठीक है, टू एंगल्स एंड वन साइड इक्वल है तो हम उसको बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल, यानी कि दो ट्राइंगल्स आपको दिए हैं अगर उसके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और वन करस्पॉन्डिंग साइड उसी की वन करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है, तो फिर कह सकते हैं हम कि जो है दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्गुएंस हैं। ठीक है, तो आज ये समझ लीजिए कि कॉन्गुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का ये इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको यही सब समझना है। ठीक है, अभी इन रूल्स को हम डिटेल में थोड़ा और समझेंगे। ठीक है, तीसरी होती है वो है हमारा RHS congruence, RHS congruence। इसको ऐसे नहीं बताएंगे, इसको अभी जब समझेंगे डिटेल में तो समझाएंगे। ठीक है, अब पहले सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे साइड एंगल वाली साइड वाली भी पहले लेते हैं, SSS congruence वाली प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, सपोज लेट कि आपके दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स है। ठीक है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो देखिए, किसी भी ट्राइंगल किन्हीं भी ट्राइंगल्स को कॉन्गुएंस प्रूव करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें हमको इक्वल प्रूव करनी होती हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखिए ये साइड इसके इक्वल है, अगर सपोज दैट अभी एक चीज़ आपको दिमाग में डाउट होगा, वो डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ा मैं इसको अलग से समझाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये साइड तो इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, मतलब यहाँ पे आपको क्या लग गया कि ये साइड तो इसके इक्वल हो रही है, ये साइड इसके इक्वल हो रही है, ये इसके इक्वल हो रही है, यानी ऑल थ्री करस्पॉन्ड साइड्स तो इक्वल है तीनों, बट तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड कैसी होती है, जिसकी अगर हम इसको ऊपर उठा के इसको रखते हैं, सपोज दैट इस वाले ट्राइंगल को इसके ऊपर रख दिया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। तो भाई कॉन्गुएंस तभी होंगे जब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी, समझ में आ रहा है आपके, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, साइड से हमें कोई मतलब नहीं, और थ्री साइड सारे इक्वल तो कॉन्गुएंस वैसा नहीं होगा। ठीक है, आपकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होंगी तो फिर हम उनको कॉन्गुएंस नहीं बोल सकते और ना ही वो कॉन्गुएंस हो सकते हैं। ओके, तो चलिए टॉपिक पे दोबारा आते हैं, लौटते हैं। तो जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ऑल थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन वी कैन से फ्रॉम द रूल ऑफ एस 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 कॉन्गुएंस। ठीक है, यानी कि साइड 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 कॉन्गुएंस के रूल के हिसाब से ये दोनों ही ट्राइंगल्स आपस में कैसे होंगे, कॉन्गुएंस होंगे। कॉन्गुएंस का साइन भी देख लीजिए आप, ये ठीक है, ये होता है आपका कॉन्गुएंस का साइन। अगर सपोज हम इसको मान लें ट्राइंगल ए बी सी, इसको डी ई एफ, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्गुएंस ट्राइंगल डी ई एफ फ्रॉम द साइड 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 कॉन्गुएंस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साइड साइड एंगल साइड। ओके, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि भाई जो है हमारे करस्पॉन्डिंग साइड से करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होने चाहिए, ये मैंने अभी आपको बताया। साइड एंगल साइड क्या है, अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हम ये एंगल ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लेना चाहें करस्पॉन्डिंग साइड्स में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको
कोई सी भी साइड इक्वल हो सकती है, बस करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। सपोज दैट ये साइड हमने इसके इक्वल मान ली, और इनमें से कोई ये साइड ये मान लो इसके इक्वल है, और ये एंगल मान लिया हमने ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो तीनों देखिए अगर इसको उसके ऊपर रखते हैं करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ये करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, ये करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, और इसके ऊपर ये आ जाएगा तो ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, इक्वल है ना। तो कोई भी दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स और कोई भी वन करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होगा तो वहां भी वर्क करेगा हमारा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस का। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमको कोई तीन चीजें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक में तीन चीजें यहाँ पे, ठीक है, ये आपको इक्वल प्रूव करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ले लें अपना एंगल साइड एंगल का, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस का ले लेते हैं। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्या होता है वो भी समझ लीजिए आप। जैसे कि कोई भी दो ट्राइंगल्स हमने बना लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनके दो एंगल्स का प्रूफ, सपोज इसका एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, और ये साइड या फिर ये साइड ले लो या फिर ये साइड या फिर कोई सी एक साइड ले लो आप, करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल है, और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है इक्वल है, तो फिर क्या हो गया हमारा यहाँ पे दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। देन वी कैन से दैट फ्रॉम द रूल ऑफ ASA यानी कि एंगल साइड एंगल द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, देन यहाँ वर्क करेगा रूल हमारा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस का। ओके, अब देखिए जो RHS वाला रूल है उसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिएगा। ठीक है, RHS वाला रूल, ये RHS रूल वर्क करता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस को चेक करने के लिए। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट ये हमारे जो राइट एंगल इसमें कैसे वर्क करेगा वो समझ लीजिए RHS का रूल। ठीक है, ये सपोज दैट कोई ट्राइंगल हमारा ABC, ये इसको मान लेंगे DEF, दोनों के ये B पे राइट एंगल है, ये E पे राइट एंगल है। ठीक है ना, तो इसकी चेक करने के लिए क्या है, पहले जो हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए दोनों की, और उसके साथ साथ एक कोई साइड भी इक्वल होनी चाहिए, यानी कि ये अगर इसके इक्वल हो जाए या फिर ये इसके इक्वल हो जाए, और एंगल तो हमारा जब ये इक्वल हो गई तीन चीजें तो वैसे हो जाएंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल बी राइट एंगल, यहाँ पे एंगल ई राइट एंगल, यानी दोनों भी 90 डिग्री के हैं, हाइपोटेन्यूज करस्पॉन्डिंग हाइपोटेन्यूज भी इक्वल हैं, और कोई भी एक साइड अगर इक्वल और हो जाएगी तो हमारा रूल वहां पे कौन सा वर्क कर जाएगा, RHS कॉन्ग्रुएंस वाला। ठीक है ना, इसमें कौन सा रूल वर्क कर जाएगा हमारा, RHS कॉन्ग्रुएंस वाला। ये ध्यान रखना बस, RHS कॉन्ग्रुएंस जो रूल वर्क करता है हमारा वो करता है ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आज तो ये चैप्टर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से इसे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपकी सिर्फ ओनली वन एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चन तो देख लेंगे कितने हैं, तो कल से आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर लिए एक्सरसाइज में। ठीक है, अभी ये मैं सिर्फ आपको समझाया था, अच्छे से समझिए वीडियो। ठीक है, देखिए विदाउट स्किप किए देखिए इसको, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो चलाया बस बंद कर दिया या फिर स्किप मार दिया, उससे कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लीजिएगा आपको जो वर्क करना है वो इन्हीं वीडियोस से करना है, यहाँ पे मैं कराऊंगा वहीं से करना है, अदरवाइज आपका वर्क इनकम्प्लीट होगा और फिर आपको दोबारा इसको नहीं बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।